नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है गोपनीय और चमत्कारी गायत्री मंत्र के 13 गुप्त उपाय। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए जानते हैं गायत्री मंत्र के ऐसे 13 गुप्त उपाय कौन से हैं जो हमें लाभ देते हैं। हरि प्रेमियों, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए फूलों का हवन करने से सब तरह की सुख और समृद्धि मिलती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। नंबर 2, शंख पुष्पी के फूलों से गायत्री मंत्र का हवन करने से कुष्ठ रोग ठीक होता है, यानी कुष्ठ रोगों का भी निवारण होता है। नंबर 3, आम के पत्तों को गाय के दूध में डुबो ले और उससे हवन करने से भी सब प्रकार के बुखार यानी ज्वर रोग ठीक होते हैं, उन सब में लाभ मिलता है। नंबर 4, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे गायत्री मंत्र का जाप करने से सब तरह की ग्रहों की बाधा दूर होती है, यानी ग्रह बाधा से रक्षा होती है। नंबर 5, बेत की लकड़ी से गायत्री मंत्र का हवन करने से विद्युतपात राष्ट्र विपलों की बाधाएं दूर होती है। हरि प्रेमियों, नंबर 6, लाल कमल या फिर चमेली के फूल से चावल से गायत्री मंत्र का हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि घर में आती है। नंबर 7, गायत्री मंत्र का अगर आप 108 बार जाप करते हैं और केवल जल का फूंक लगाने पर भी भूत प्रेत की बाधाएं, नजर लगना आदि ये सब दोष दूर होते हैं। अगर आप गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करके फूंक लगाते हैं जल में इससे। नंबर 8, महान प्राण संकट में नदी के पानी में गले तक यानी कंठ तक खड़े होकर हर रोज 108 बार गायत्री मंत्र जाप करने से प्राणों की रक्षा होती है, यानी प्राण रक्षा होती है। नंबर 9, दुखी होकर बहुत आर्त भाव से मंत्र का जाप करने से कुसा पर फूंक मारकर शरीर पर स्पर्श करने पर सभी प्रकार के रोग और भूत के जो भय हैं भूत प्रेत के वो सब नष्ट हो जाते हैं। नंबर 10, बिल्लो पुष्प जो बेलपत्र के फूल होते हैं वे फल खीर घी की हवन सामग्री बनाकर बेल के छोटे छोटे टुकड़े करके बिल्लो की लकड़ी से हवन करने पर भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपको माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और फिर आपके घर से नहीं जाती। नंबर 11, अगर कुछ दिन आप हर रोज गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करने के बाद जिस तरफ मिट्टी का ढेला फेंका जाए उस तरफ से शत्रु वायु अग्नि दोष दूर हो जाता है, यानी आपके दुश्मन समाप्त हो जाते हैं। नंबर 12, गुरु जी के पौधे की छोटे छोटे टुकड़े कर लो और उन्हें गाय के दूध में डुबो कर हर रोज 108 बार गायत्री का मंत्र पढ़कर हवन करने से मृत्यु योग का भी भय नष्ट होता है, यानी जो मृत्यु योग है उसका भी निवारण हो जाता है।
नंबर 13 ग्रहों की शांति में शमी के पेड़ की लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कर ले उपाकर गुलर पीपल और बड़ के साथ गायत्री मंत्र की 108 आहुतियां देने से शांति मिलती है। सभी ग्रहों की शांति हो जाती है। अगर आप इन सब की लकड़ी से गायत्री मंत्र की 108 आहुतियां देते हैं तो हरि प्रेमियों अगर आप ये उपाय करते हैं, ये कहने में छोटे हैं लेकिन इनके लाभ बहुत ज्यादा है। ये है 13 गुप्त उपाय जो गोपनीय है और चमत्कारी भी है। हरि प्रेमियों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। जय श्री कृष्णा।